नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं इन्फो विदिशा न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। बताया गया है कि पूरे देश में सिर्फ 5 जिलों को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शामिल किया गया है, जिनमें मध्य प्रदेश का सिर्फ विदिशा जिला शामिल है। इसका उद्घाटन करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि गंभीर मरीजों को विदिशा से भोपाल रेफर किया जाता था, कई बार रास्ते में ही मरीज दम तोड़ देता था। अब गंभीर मरीजों को रेफर करने की वजह इस केंद्र पर टेली मेडिसिन के माध्यम से MC के डॉक्टरों की सलाह लेकर यही इलाज किया जाएगा। वेंटिलेटर की आवश्यकता होने पर भी ये व्यवस्था मरीज के लिए काफी लाभकारी होगी। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान जन औषधि केंद्र का भी निरीक्षण किया। आज विदिशा में टेली ICU का शुभारंभ हुआ है। इसका मतलब यह है कि हमारे यहाँ जिला चिकित्सालय में अगर कोई पेशेंट गंभीर हो जाता था तो ये कहा जाता था लेके भगो भोपाल, और कई बार लेके अगर गए तो रास्ते में ही प्राणांत हो जाता था। अब इस टेली ICU में यह व्यवस्था की है कि जो गंभीर मरीज है, हार्ट के हो चाहे बाकी और किसी बीमारी के हो, उनको भोपाल लेके जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एम्स भोपाल के डॉक्टर से ट्रेनिंग लेने आए हमारे स्टाफ को कि वैसी गंभीर बीमारी में बचाने के लिए तात्कालिक उपाय कौन कौन से हैं, तो इनको ट्रेनिंग देने का काम होगा। और वहां से टेली मेडिसिन मतलब यहाँ पेशेंट रहेगा और डॉक्टर वहां बताएंगे, तो वहां के डॉक्टर बताएंगे कि अब ये करना है, ये दवाई देना है, ये फलानी चीज होनी है, तो जो मरीज है उसको ले जाए बिना भी उसके प्राण बचाए जा सकेंगे। आज उसका शुभारंभ हुआ है। उसके साथ साथ जन औषधि केंद्र जिसको मैं देखने जा रहा हूँ, जहाँ 150 रुपए की दवाई 25 रुपया में भी मिलेगी, उसका भी शुभारंभ हुआ ताकि सस्ती दवाइयाँ जनता को उपलब्ध हो सके। ये एक बड़ी सौगात विदिशा को मिली। धन्यवाद। सर, आज ये जो शुभारंभ हुआ है, इस मरीजों को और किन मरीजों को क्या लाभ मिलेगा? मुझे लगता है कि आज मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य सेवाओं में और मध्य प्रदेश में एक क्रांतिकारी दिवस है, जिसमें एम्स भोपाल के जितने भी डॉक्टर्स हैं वो ICU के माध्यम से चिकित्सालय जो कि विदिशा में स्थित है, वहाँ पे हम लोगों ने एक सेंटर हमने बनाया है, जहाँ पे सिर्फ ना सिर्फ हम ट्रेनिंग देंगे बल्कि जो सीरियस पेशेंट है जो यहाँ भर्ती हैं, जिनको विशेषज्ञों की जरूरत है, जिसके लिए कई बार मरीजों को एम्स में भेजना पड़ता था, उसको भेजे बिना यहीं से हम लोग उनको सही सलाह दे पाएंगे, जिससे मरीज को जाने की आवश्यकता नहीं है और उतना ही उत्तम इलाज उनको यहाँ पे प्राप्त हो सकेगा। सर, आपके नाम? मैं डॉक्टर अजय सिंह, मैं कार्यपालक निदेशक एम्स भोपाल। सर,